नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत और चलिए देखते हैं दोपहर की बड़ी खबरों को फटाफट। हिमाचल दूसरे राज्यों में ड्यूटी पर गए 1200 पुलिस जवान नहीं डाल पाएंगे वोट, जाने बचा। भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन विभाग हर साल मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने पर लाखों रुपए खर्च करता है, लेकिन डिजिटल युग में आज भी हिमाचल पुलिस के जवान मताधिकार का इस्तेमाल करने से वंचित रहने को मजबूर है। दरअसल हिमाचल पुलिस की विभिन्न बटालियनों से करीब 1200 से अधिक पुलिस जवान बिहार, ओडिशा और राजस्थान समेत अन्य राज्यों में चुनाव ड्यूटी पर गए हैं। 4 अप्रैल को हिमाचल से जब ये पुलिस जवान अन्य राज्यों में ड्यूटी पर गए थे तो उन्हें आश्वासन मिला था कि 1 जून से पहले वो हिमाचल लौट आएंगे ताकि वे अपने गृह चुनाव क्षेत्र में मतदान कर सके। अभी तक बाहरी राज्यों से इनकी वापसी का रास्ता साफ नहीं हो पाया है। अब निर्देशों के अनुसार ये सभी 4 जून को मतगणना के बाद ही लौटेंगे। सतलुज में गिरा डंपर, नादौन का चालक डूबा। सुनी थाना क्षेत्र में डैम साइट पर एक टिप्पर अनियंत्रित होकर सतलुज में गिर गया। हादसे में टिप्पर चालक सतलुज में डूब गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार टिप्पर का ड्राइवर फिलहाल लापता है। पुलिस को सूचना मिली कि एक डंपर वहां सतलुज में गिर गया है। जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो पाया कि एक डंपर ट्रेलर नंबर HP 5247 16 बांध निर्माण स्थल से अनियंत्रित हो गया था और सतलुज नदी में गिर गया। इस दुर्घटना में वाहन का चालक राजकुमार पुत्र रामनाथ निवासी गांव देहल पोस्ट रेल तहसील नादौन जिला हमीरपुर था। मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा कि उक्त ड्राइवर सतलुज नदी की तेज लहरों में लापता हो गया, जिसकी तलाश निर्माण कंपनी के श्रमिकों और स्थानीय राफ्टिंग व्यवसायियों की मदद से सतलुज नदी के दोनों किनारों पर की गई है, लेकिन वो नहीं मिला। पुलिस का कहना है कि ड्राइवर के परिजनों को इस घटना की सूचना दे दी गई है। ऋतिक कंपनी के अधिकारियों की शिकायत पर धारा 289/304A IPC के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। लोगों को इलाज के दूसरे राज्य को नहीं लगाना पड़ेगा चक्कर, बिलासपुर एम्स में मिलेंगी ये सुविधाएं। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में रिकॉर्ड समय में तैयार हुआ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बड़ी उपलब्धि है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के एक छोर में बने इस संस्थान से हिमाचल ही नहीं पड़ोसी राज्य पंजाब के लोगों को भी लाभ मिलेगा। वर्तमान में यहां कई सेवाएं शुरू हुई हैं, जबकि केंद्र सरकार की सहायता से यहां पर चिकित्सा सुविधाओं में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। प्रदेश में पहली बार किसी बड़े प्रोजेक्ट को इतने कम समय में पूरा किया गया है। साल 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी और साल 2022 में इसका उद्घाटन किया था। इस एम्स में भी अभी कई नए विभाग यहां पर खुलना और विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती होना बाकी है, साथ ही मशीनरी आदि भी स्थापित होंगी। इसके बाद लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए अन्य राज्यों में जाने से छुटकारा मिलेगा। एम्स दिल्ली जैसी सुविधाएं यहां मिलने के बाद प्रदेश के लोगों को नजदीक ही इलाज होगा और अन्य राज्यों में न जाने से धन की बचत भी होगी। डिप्टी सीएम अग्निहोत्री का दावा, भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी कांग्रेस। लोकसभा चुनाव से हिमाचल प्रदेश के 4 लोकसभा व 6 विधानसभा उपचुनावों में कांग्रेस की प्रचंड जीत होने जा रही है। ये बात प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने रामपुर के ननखड़ी, कुल्लू के निर्मंड और शिमला के चौपाल में कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह के पक्ष में बड़ी चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहे। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह प्रदेश का भविष्य है और उन्हें अपने भविष्य को सुरक्षित व संवारना होगा। भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत को लेकर उन्होंने कहा कि वो अपना वापसी टिकट भी साथ कटवा कर आई हैं तथा पहले या 4 जून को वापस मुंबई लौट जाएंगे। उन्होंने विक्रमादित्य सिंह को एक युवा एवं जुझारू नेता करार देते हुए कहा कि वो देश व प्रदेश का भावी भविष्य है। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य सिंह भारी मतों से जीत रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि कंगना ना तो विधानसभा और ना ही लोकसभा की चौखट कभी लांग सकेंगी। मुकेश अग्निहोत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर तंज कसते हुए कहा कि कंगना के पीछे भाग भाग कर अब वो थक चुके हैं। उन्होंने कहा कि कंगना को फिल्मी दुनिया में ही रहकर अपना नाम कमाना चाहिए, बाकी मंडी के लिए विक्रमादित्य सिंह ही बहुत है। मुकेश ने कहा कि जिस प्रकार से भाजपा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की है, इसका परिणाम प्रदेश के लोगों से 1 जून को देने जा रहे हैं।